वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आज अपने पास एक अलग ही बाइक है, सब जानते होंगे। ये है कावासाकी ZX10R। नया वाला वेरिएंट नहीं है, 2020 का वेरिएंट है। तो ये वीडियो में हम इसको चलाएंगे, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके ऊपर क्या क्या मॉडिफिकेशन किया गया है वो भी हम बात करेंगे। बहुत सारे मॉडिफिकेशन इसके ऊपर किए गए हैं जो हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ZX10R इन हैदराबाद एंड प्रोबेबली इंडिया में, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, बिकॉज इसके अंदर आपको फुल सिस्टम एक्रा एग्जॉस्ट है वो इंस्टॉल किया गया है, जिसकी वजह से पावर थोड़ा इंक्रीज हुआ है। ये है 2020 का मॉडल। जब ये स्टॉक थी वो टाइम पे इसका पावर था 203 हॉर्स पावर। ये कंडीशन में बाइक का पावर है 230 bhp एंड यही पावर आता है जो H2 है उसका स्टॉक पावर 230 bhp, लेकिन वो सुपर चार्ज्ड है। इसके अलावा इन्होंने और क्या मॉडिफिकेशन किया है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं RNG के यहाँ पे इंजन गार्ड और फ्रेम स्लाइडर्स, यहाँ पे भी RNG का लगाया गया है। इसके अंदर जो रेडिएटर गार्ड है वो भी RNG का है। ये स्पॉयलर्स प्यूक के, लीवर प्रोटेक्टर RNG का, सामने MRA का विंडशील्ड लगाया इन्होंने। एंड ये साइड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लीवर प्रोटेक्टर लगाया गया है RNG का। यहाँ पे पीछे की तरफ अगर आप आएंगे तो इन्होंने जो टेल था स्टॉक वाला वो निकाल दिया, एंड ये आफ्टर मार्केट टेल टाइडी है, जिसकी वजह से आई थिंक 1 किलो वजन और यहाँ पे कम हो गया है। ओवरऑल जो वेट है अभी ये बाइक का, स्टॉक बाइक आती है 206 किलो की, अब ये बाइक का वेट है ऑलमोस्ट 199 और 200 किलो। उसकी वजह से क्या है कि पावर भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। अब फुल सिस्टम लगाने के बाद में इसका जो टॉर्क है वो भी ऑलमोस्ट 14.5 Nm बढ़ गया है। स्टॉक जो पावर आता है वो है 203 bhp, रैम एयर इंटेक के साथ इसका पावर होता है 213 bhp। ये फुल सिस्टम लगाने के बाद में इसका पावर हो चुका है 230 bhp। इसका जो टॉर्क है वो स्टॉक आता है 114.5 Nm। सो ये फुल सिस्टम लगाने की वजह से इसका टॉर्क भी बढ़ गया है, टॉर्क अभी हो चुका है ऑलमोस्ट 129 Nm का, बहुत पावरफुल है। साउंड काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, मुझे लगता नहीं कि डीबी किलर है, तो डीबी किलर भी इन्होंने निकाल दिया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो फ्यूल कंट्रोलर है वो बजाज का यूज़ किया है, BAZZAZ, यहाँ पे देखेंगे तो ये BAZZAZ बजाज का फ्यूल कंट्रोलर यूज़ किया है, वो फ्यूल कंट्रोल करता है। एंड इसमें मैप बाई डिफ़ॉल्ट आते हैं ZX10R के लिए, वो इन्होंने यूज़ किया है। एयर फिल्टर स्प्रिंट का यूज़ किया है। सो ये सब मॉडिफिकेशन किया गया है। अब जो मॉडिफिकेशन परफॉर्मेंस को लेके है उनका प्राइस है ऑलमोस्ट 320,000 रुपीज़ सिर्फ परफॉर्मेंस का। उसके अलावा इन्होंने जो सेफ्टी के लिए एक्सेसरीज वगैरह लगाए हैं उनका ऑलमोस्ट इन्होंने 83,000 रुपीज़ खर्च किया है, ऑलमोस्ट 3.5 लाख इसके ऊपर खर्चा हुआ है। जब इन्होंने ये बाइक ली थी वो टाइम पे इसका प्राइस था ऑन रोड ऑलमोस्ट 17 लाख प्लस 3.5 लाख, ऑलमोस्ट 21 लाख की ये बाइक है। इसकी जो सीट हाइट है वो 835 mm आती है। टायर्स इन्होंने चेंज कर दिए हैं, ये स्टॉक टायर नहीं है, ये आई थिंक थोड़ा सेक्शन बढ़ के लगाया है, 200 सेक्शन का टायर है ये, पिरेली सुपर कोर्सा। ग्राउंड क्लियरेंस है 145 mm आता है। नया वाली जो है ना 2021 की, उसमें थोड़ा कम हो चुका है, आई थिंक 135 mm उसका ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा है। अब इसको लेके चलते हैं एक राइड पे, एंड राइड पे चलते हुए हम बात करेंगे। एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, बिकॉज अभी मज़ा आने वाला है राइड करने के टाइम पे ये एग्जॉस्ट का। अब हम आ गए हैं ZX10R पे, एंड दिस इज़ 2020 मॉडल जैसे मैंने आपको बताया। तो ये बहुत लाउड होने वाली है यहाँ पे। संडे मॉर्निंग पुलिस वाले तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट आई विल गो स्लो। सीटिंग पोस्चर एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो नया वाला है 2021 का मॉडल उसका और ज़्यादा एग्रेसिव है। उसका जो हैंडल है ना वो फ्लैट कर दिया है, इसका थोड़ा फिर भी अच्छा है, लेकिन जो नया वाला है 2021 का उसके अंदर हैंडल को और फ्लैट कर दिया है। उसकी सीट हाइट भी, सीट हाइट तो सेम है मेरे हिसाब से, लेकिन उसका जो सीट का जो बनावट है, शेप है, वो थोड़ी अलग कर दी है। उससे क्या लगता है कि आप ज़्यादा झुक के बैठते हो। मेरे दोनों पैर फ्लैट नहीं टिकते हैं। 835 mm इसकी सीट हाइट है। वेट ऑलमोस्ट 199 किलो है। ये भैया लोग देख रहे हैं कि क्या बाइक है ये, ऐसे पब्लिक रिएक्शन मिलते हैं। तो अभी 0 to 100 टेस्ट करेंगे फर्स्ट गियर में।
पे अगर रह सकते हैं तो मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, आई डोंट वांट देम टू स्टॉप मी, थोड़ा देख के रहना पड़ेगा। यहाँ पे रह सकते हैं पुलिस, मैं यहाँ पे स्ट्रेट जाऊँगा। जो मजा है ना वो ट्रैक पे ही है भाई, बहुत पावरफुल है। अगर आप फर्स्ट गियर में रेड लाइन तक भी खींचोगे ना इसको तो कोई वाइब्रेशंस नहीं आता, आपको पता भी नहीं चलता कि 150 140 वो स्पीड पे कितनी जल्दी ये चली जाती है। शिफ्टर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आगे एक स्पीड ब्रेकर और रहेगा। इसके जो पीछे ब्रेक है ना वो मुझे लगता है कि वीक है व्हेन आई कंपेयर विद Z900 जो मेरे पास है, उसके ब्रेक बहुत अच्छे हैं। इसका सामने का तो ब्रेम्बो है, ऑब्वियसली सामने का ब्रेक तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पीछे का जो ब्रेक है उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन इसकी जो कंट्रोलिंग है भाई नेक्स्ट लेवल है। आई डिडंट आस्क मी एनीथिंग, फीलिंग ग्रेट, क्या बात है, बच गया मैं। अब इसको सेकंड गियर में थर्ड गियर में लोअर स्पीड में चलाना तो मुश्किल होता है, बिकॉज जर्क्स देना स्टार्ट कर देती है। अभी इतनी दूर मैंने चलाया ना, मेरे हाथ में यहाँ पे रिस्ट में दर्द होने लग गया।